साथियों, आज हम में से प्रत्येक दूसरे व्यक्ति की ये शिकायत है कि मैं तो सबके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करता हूं, परंतु बदले में मुझे केवल बुराई मिलती है। ये कार्य और कारण का जो सिद्धांत है, ये क्रिया और प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत है, इसके विज्ञान को साथियों हमें समझना होगा। यदि आप IAS अधिकारी बनने की तैयारी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो दिन में केवल 1 घंटा पढ़ाई करके क्या आप उस परीक्षा में टॉप कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो क्या केवल दिन में एक समय 1 घंटे, आधे घंटे परोपकार करके, ईश्वर की उपासना करके हम 2400 घंटे जीवन भर केवल और केवल सुख और आनंद में रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। जो कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया हमें जरूर मिलेगी, समय के अनुसार मिलेगी। इसलिए 2400 घंटे हम किस प्रकार से ये आत्मसात कर ले, तो इसके दो ही साधन हैं, एक तो स्वयं पर और परमात्मा, इन दोनों में अटूट विश्वास और हमारा जो व्यवहार है सात्विक व्यवहार, अच्छी भावनाओं का व्यवहार, उसको अभ्यास के द्वारा निरंतर 24 घंटे बनाए रखें। साथियों, आप लोगों से फोन पर बातचीत के दौरान, पर्सनल मीटिंग के दौरान, आपके कमेंट्स पढ़ने के दौरान एक ऐसी समस्या मैं जो समझता हूं कि सबसे ज्यादा सामान्य है, सर्वाधिक कॉमन है, और वो ये है कि गुरुजी, मैं सबके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करता हूं, मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, सबकी बनते कोशिश मदद करूं, पर होता यह है कि मुझे इसके बदले केवल बुराई मिलती है, गालियां मिलती है, अपमान मिलता है, अपयश मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों है? साथियों, इसके पीछे का विज्ञान हमें समझना होगा। ये जो पूरी सृष्टि है, ये जो कायनात है, ये कार्य और कारण के सिद्धांत पर आधारित है। कुछ भी चीज अकारण नहीं है। जो एक्शन है उसका रिएक्शन भी है, तो होता यह है कि हम चाहते हैं कि हम बहुत थोड़ा सा दे करके बहुत ज्यादा ले लें। पीछे का जो तथ्य है इसको समझने का आप प्रयास करिएगा। मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी बड़े उद्देश्य को लेकर के काम कर रहे हैं, कोई बड़ा कारोबार आप स्थापित करना चाहते हैं, परंतु आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं केवल आधा या फिर 1 घंटा, 24 घंटे आपको मिले हैं, 24 घंटे आप काम कर सकते हैं, पर आप काम कर रहे हैं आधा या 1 घंटा, आधा या 1 घंटा हम उस प्रभाव में रहते हैं कि मैं अच्छा हूं, मैं ईश्वर की जो भी आपकी उपासना पद्धति है उपासना कर रहा हूं, सेवा कार्य कर रहा हूं, परोपकार कर रहा हूं, तो मैं ये अच्छा कार्य कर रहा हूं। अब इस आधे या 1 घंटे अच्छा कार्य करने के बदले आप ये चाहते हैं कि आप 2400 घंटे निरंतर 24/7 जीवन पर्यंत आप सुखी रहें, आनंदित रहें। क्या ये बैलेंस आपको क्रिएट होते हुए दिखाई दे रहा है? क्या इस क्रिया की यह प्रतिक्रिया हो सकती है? नहीं हो सकती। आधा या 1 घंटे पढ़ाई करके आप IAS एग्जाम या किसी भी बड़े उद्देश्य को पूर्ण रूपेण प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब हम किसी फिजिकल चीज को प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम आध्यात्मिक चीज, परमानंद, आनंद, सुख, इन सबको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अब आपका प्रश्न ये होगा, तो फिर क्या आचार्य जी हम 2400 घंटे केवल परोपकार करते रहें, 2400 घंटे ईश्वर के समक्ष बैठ करके क्या मंत्र जाप करते रहें? साथियों, ये सब कुछ प्रतीकात्मक है। आप आधे घंटे पूजा करते हैं, परंतु आप 23 घंटे, 22 घंटे क्या करते हैं? वो ही क्रोध, लोभ, झूठ, मद, अहंकार, ये सब करते हैं ना। तो इस आधे घंटे का भी आपको रिजल्ट मिलेगा और उन 22 और 23
इन घंटों का भी आपको रिजल्ट मिलेगा। बैलेंस तो बराबर तभी रह पाएगा ना। तो सबसे पहले हमें इसका, अब ये तो हो गई समस्या, अब समाधान क्या है साथियों? सबसे पहला इसका आसान समाधान वो है कि तुलना ना करें। यदि आप तुलना करते हैं तो ये आपको दुख तक लेकर के जाएगी। आप क्यों तुलना करते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया, अब ये मेरे लिए करेगा या नहीं करेगा, करेगी या नहीं करेगी? यदि आप इस प्रकार की कोई अपेक्षा या तुलना नहीं करते हैं तो ये सर्वोत्तम इलाज है। फिर वही क्वेश्चन कि ये कहना तो बड़ा आसान है, कहने में क्या जाता है, तुलना मत करो, किसी से आशा मत रखो, परंतु इसको जीवन में कैसे अप्लाई किया जाए, कैसे इसको आत्मसात किया जाए, इसके केवल और दो ही रास्ते हैं। यदि कोई तीसरा रास्ता आपने कहीं पढ़ा हो तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से आप जरूर बतलाइएगा। सबसे पहला जो इसका है वो है अभ्यास। आपको अभ्यास करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। कैसे? निरंतर अपने आप को शांत रखने के लिए हमारे जो नेगेटिव भाव हैं, क्रोध, मद, मोह, लोभ, कामनाएं, ये होंगी, जीते जी इनसे निजात नहीं प्राप्त किया जा सकता, परंतु अभ्यास के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से हम स्वयं को शांत रख सकते हैं। ध्यान के माध्यम से हम चाहे बिजनेस कर रहे हैं, हम चाहे पढ़ाई कर रहे हैं, हम चाहे घर का काम कर रहे हैं, हम चाहे भोजन कर रहे हैं, हम चाहे खेल कूद रहे हैं, आप केवल अपनी जो श्वास है उस पर ध्यान केंद्रित रखिए। इस अभ्यास से आपको हमेशा एक चेतनता बनी रहेगी, एक अवेयरनेस बनी रहेगी कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो मैं होश पूर्वक कर रहा हूं या फिर वो मैं बेहोशी में कर रहा हूं, इसका परिणाम क्या होने वाला है, इसके बदले मुझे क्या मिलने वाला है। तब भी आप गलतियां करेंगे, तब भी आप बुरे काम करेंगे, परंतु आज जो कर रहे हैं उससे बहुत कम आप करेंगे, अभ्यास के माध्यम से। और दूसरा है विश्वास या फेथ। विश्वास किस पर? एक तो स्वयं पर, अपने आप के ऊपर, और एक परमेश्वर पर। जब हम स्वयं पर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर का ही अंश है, यत पिंडे तथा ब्रह्मांडे, आपने सुना ही होगा। तो जब हम अपने आप के ऊपर विश्वास रखते हैं, क्योंकि श्वास हमारी ही चलनी है, ध्यान हमें ही केंद्रित करना है, अपनी इंद्रियों से कार्य हमें स्वयं ही लेना है, तो अपने आप के ऊपर ये विश्वास कि मैं ये कर सकता हूं, मैं जरूरत से ज्यादा अपेक्षा किसी से नहीं रखूंगा, ऐसा मैं कर सकता हूं, मैं एक बैलेंस जीवन में क्रिएट कर सकता हूं, तो आप कर पाओगे। और परमेश्वर पर, परमात्मा पर, उस परम शक्ति पर यदि आपको विश्वास है तो विश्वास ही दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जिनको डॉक्टर्स ने लाइलाज घोषित कर दिया था, बहुत बड़े बड़े ऐसे काम जो कि असंभव लग रहे थे शुरुआत करने से पहले या शुरुआत करने के बाद भी, वो केवल विश्वास के बलबूते हो पाए हैं। तो अभ्यास करते रहिए किसी भी अच्छे कार्य का, और अपने आप पर और परमेश्वर पर आप विश्वास रखिए, तो आप ये समझिए कि सदैव सुखी ही रहेंगे। आप दुख भी होगा ना, तो आप दुख को अलग से देख पाएंगे, उसको नोटिस कर पाएंगे, स्वयं से उसको जुदा आप रख पाएंगे, अलग रख पाएंगे साथियों। तो ये सारे कार्य मैं समझता हूं कि आप जरूर शीघ्र अतिशीघ्र अप्लाई जरूर कर देंगे अपने जीवन में। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मन मुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और पहला ही जो कमेंट है ये ममता प्रजापत जी ने लिख भेजा है,
और आपका प्रश्न है कि ये प्रयोग दोनों को करने जाना है शिवालय में या एक भी जा सकता है। आप पति पत्नी की बात कर रहे हैं और मेरी शादी को 8 साल पूरे हो गए हैं। देखिए ममता जी, पति और पत्नी दोनों को ही जाना है क्योंकि संतति जो है वो दोनों के सम्मेलन से ही उत्पन्न होती है, तो किसी एक को नहीं बल्कि दोनों को ये कार्य करना है। साथियों अगला कमेंट देव कुमार जी ने लिख भेजा है, गुरुजी मुझ पर भी कृपा करिए, एक संतान मुझे भी हो जाए। तो देव कुमार जी, आप और आपकी धर्मपत्नी भी ये उपाय जरूर करें जिसमें आपने कमेंट किया है। तो जहां हजारों लोगों को संतान का लाभ मिला है आपको भी अवश्य मिलेगा। और अगला कमेंट हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का है, परम आदरणीय आचार्य जी सादर प्रणाम। आचार्य जी सर्वथा भिन्न व बहुत ही उपयोगी विवेचन प्रदान करने के लिए आपका हृदय से आभार। आपकी कृपा पात्र आजीवन बने रहना चाहते हैं, अनंत कोटि नमन व चरण स्पर्श। तो शकुन जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी प्रकार के जीवन को बेहतर बनाने वाले कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आते हैं। और जो अप्लाई करना आसान हो, असंभव ना हो, इस प्रकार का समाधान भी आपको बतलाते रहते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, आप सभी स्वस्थ समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।